चलो आज बनाते हैं चीज़ी मैगी सिज़लर। ठीक है, आप इसमें ना मैगी की कोई भी रेसिपी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ी मैगी बनाओ। आप इसमें नॉर्मल मैगी बना सकते हो, आप इसमें स्पाइसी मैगी बना सकते हो, या फिर आप इसमें शेज़वान मैगी, मतलब जो भी मैगी आपको पसंद है आप वैसी टाइप की रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप चीज़ी मैगी बनाओ, पर मेरे को चीज़ी वाली मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इस वजह से चीज़ी मैगी बना रही हूँ। ठीक है, मेरी एक ना एक ऐसे पेटेंट रेसिपी होती है ना चीज़ी मैगी वाली, वो मेरी रेसिपी है। कभी काफ़ी बार मैंने शेयर कर दी हुई है, मतलब 2-3 बार मैंने शेयर कर रखी है। मैंने काफ़ी बार बोला है भैया मेरी फेवरेट है, तो फिर से बना रही हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप मेरी वीडियोज़ बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये वाली मेरी रेसिपी ना मैगी की रेसिपी मेरी फेवरेट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने थोड़ा बटर डाला, फिर उसमें थोड़ी बारीक कटी हुई लहसुन डाल दी और उनको हल्का सा भून लिया, है ना। फिर प्याज डाल दी, फिर उसको भून लिया, फिर शिमला मिर्ची डाली। वैसे शिमला मिर्ची ना मैं बाद में डालती हूँ पानी डालने के बाद, पर पता नहीं मेरे को याद नहीं रहा मैंने अभी डाल दिया, तो जैसे भी आपको मन करे वैसे कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा था, शिमला मिर्ची डाल दी, टमाटर डाल दिए और फिर इसको भून लिया। फिर इसमें थोड़ा मैगी का मसाला डाला जो एक्स्ट्रा वाला आता ना, और जो दोनों पैकेट मैगी के साथ आए थे वो डाल दिए। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। फिर मैंने पानी डाल दिया, पानी में उबाल आने के बाद चीज़ डाली थी। हाँ, अब ना चीज़ का मेरे को ग्रेटर मिल नहीं रहा था, तो मैंने चीज़ क्यूब ऐसे ही डाल दी, क्योंकि गर्मी की वजह से ना वो वैसे ही ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो रखी थी। ठीक है, और फिर मैगी डाल के इसको मैगी को बना लिया, ऐसे सूपी सूपी बना लेना, जिससे सिज़लर प्लेट में डालेंगे ना तो वो ऐसे सिज़लिंग होगी। ठीक है, फिर मैंने ना मैगी बन गई थी ना, तो सिज़लर प्लेट को गर्म होने के लिए रख दिया 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। मैंने पूरा अच्छे से प्रॉपर इसको गर्म किया है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, नीचे ना पहले वो जो वुडन का स्टैंड आता है ना, उसमें थोड़ा सा बटर डाला, फिर उसके ऊपर सिजलिंग प्लेट डाली, जिससे ना इसे धुआं धुआं होएगी। ठीक है, फिर से मैंने सिजलर प्लेट के ऊपर बटर डाला, फिर मैंने मैगी डाल दी और फिर इसमें चीज़ की क्यूब घिस दी, और हाँ थोड़ी सी मैंने क्या बोलते हैं उसको ऑरिगेनो भी डाला थोड़ा सा, और इसको मस्त इंजॉय करो। बहुत 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 अच्छी लगती है, एकदम है ना बर्न वाला स्मोकी वाला फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का लगता है। और हाँ, अगर आपके पास ये सिज़लर प्लेट नहीं है ना, तो आप इसको लोहे के तवे पर भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मैं लोहे के तवे पर बना के ट्राई करूँ, तो मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। हाँ, मेरी 2-3 वीडियो आप लोगों के साथ पेंडिंग चल रही है, मैंने अमूल की आइसक्रीम की बोला था और भी 2-3 जो कि बोला था पेंडिंग चल रही थी, वो मैंने शेयर नहीं की, पर मैं जल्दी करूंगी, थोड़ा सा बिजी हो गई थी, पर अब मैं पक्का करूंगी। ठीक है, और इसको मस्त एंजॉय करो, बहुत अच्छी लगती है। और आज की वीडियो को शाउट आउट अक्षत शर्मा को जाता है। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। थम्स अप। चलो बाय।